हेलो दोस्तों, एक दफ़ा फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस दफ़ा हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आपको बताएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। यूँ तो हम लोग सभी लोग निकालते रहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके फैक्टर्स करते हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर्स छांटते हैं और जो हाईएस्ट होता है वही मेरा हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से तो हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे ही, साथ ही एक बहुत ही रोचक गतिविधि भी हम यहाँ पे करेंगे जिससे हम लोग जो है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 3 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पहले हम लोगों को उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। उन फैक्टर्स में से हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, और उसमें भी जो हाईएस्ट होगा वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 को हम लोगों ने लिखा है 1 into 3 और 18 को लिख रखा है 1 into 2 into 3 into 3। ये हमारे 3 और 18 के फैक्टर्स हैं। इसमें जैसा कि आपको देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 और 3 है, और 1 और 3 में जो हाईएस्ट है वो है 3। तो 3 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हम लोग का है 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि 12 को लिखा गया है 1 into 2 into 2 into 3, 15 को लिखा गया है 1 into 3 into 5। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? 1 और 3, और इनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा? 3। तो 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। अब चलिए देखते हैं 3 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 को लिखा गया है 1 गुणा 5, 10 को लिखा गया है 1 गुणा 2 गुणा 5, 12 को लिखा गया है 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तीनों में आप देख रहे हैं जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 ही है, यही मेरा हाईएस्ट भी हो जाएगा। तो 5, 10 और 12 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अगला एग्जांपल 3, 6 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 को लिखा गया है 1 into 3, 6 को लिखा गया है 1 into 2 into 3, एंड 15 को लिखा गया है 1 into 3 into 5। ये हमारे 3, 6 और 15 के फैक्टर्स हैं। इनमें कॉमन फैक्टर कौन दिख रहे हैं आपको जो तीनों में कॉमन है? एक है 1 और एक है 3, और 1 और 3 में हाईएस्ट कॉमन कौन सा हुआ? 3। तो 3, 6 एंड 15, इन 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 3। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 को फैक्टर्स में जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 into 2 into 4। यहाँ पे ध्यान दें कि हमने 4 लिख रखा है, लेकिन जब बात आती है प्राइम फैक्टर्स करने की तो इस 4 को 2 into 2 भी लिखा जा सकता है, और 12 को लिखा गया है 1 into 3 into 4, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 1 and 4, और इनमें भी हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? 4। तो 8 and 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 4। चलिए दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल है 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमने इस तरह से करके दफ्ती के बना रखे हैं। तो दिख रहा है 8 वाले कॉलम में ही हमने 8 पीस रखे हैं, और 12 वाले कॉलम में हमने ये 12 पीस रखे हैं, 4 4 4 12। हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये जो एक्टिविटी है आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कम कौन सा है। तो ये 8 है और ये 12 है, तो ये 8 जो है ये कम है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 8 जो है ये अलग कर लेंगे। तो ये हमने देखिए 8 अलग कर लिए, क्योंकि 8 और 12 में 8 कम था तो मैंने 8 अलग कर लिए। अब दिख रहे हैं यहाँ पर 4 बचे हैं और यहाँ पे बचे हैं 8, तो इनमें से देखिए कौन सा कम है। तो 4 ये कम है और यहाँ पर 8 है, तो 4 कम है, तो इसमें से हम लोग 4 को अलग कर लेंगे। अब आपको दिख रहा है ये दोनों जगह 4 और 4 बराबर बचे हैं, तो जब 4 4 बराबर बचे हैं तो 8 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये हम लोग का 4 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 वाले खाने में हम लोग ऐसे 12 पीस रखेंगे, तो ये 8 हो गए,
ये मिला के हम लोग के 8 हो गए, और ये 2 10, और ये 2 12, और यहाँ 15 रखने हैं तो ये 4, और ये 4 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये 12 और 15 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लोग के खाने तैयार हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 12 है और इसमें 15 है, तो कम किस में है, तो ये 12 कम है, तो हम लोग इस 15 वाले कॉलम में से इस 12 को अलग कर लेंगे। तो देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12, ये 12 अलग कर लिए। अब ये दो खाने दिख रहे हैं, इसमें रह गए 3 और यहाँ रह गए 12, तो इसमें कम कितने हैं, 3 कम हैं, तो हम लोग इसमें से 3 अलग कर लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ 3 हैं और यहाँ कितने बचे हैं, 9, तो यहाँ फिर 3 कम है, तो हम लोग यहाँ से 3 और कम करेंगे। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ 3 हैं और यहाँ पर आपके 6 हैं, तो फिर ये 3 कम है, तो यहाँ से हम लोग 3 और कम करेंगे। अब आप देख रहे हैं फाइनली कि दोनों खानों में मेरे 3 और 3 बचे हुए हैं, तो 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, 3 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 वाले खाने में हम लोग ऐसे 3 ब्लॉक रख देंगे, और 18 वाले में 18 रखेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 और 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं, पूरे हो गए नहीं हो गए, तो 4 6 16 18, यस। तो देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग प्रोसेस, जिधर कम होता है ज़्यादा वाले में से हम लोग उतने कम करते जाते हैं, और फाइनली जब दोनों खानों में इक्वल ब्लॉक्स बचते हैं तो वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। चलिए कंपेयर करते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ 3 कम है, तो हम लोग इस वाले खाने से 3 ब्लॉक कम कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे, फिर ये 3 कम है, तो हम लोग यहाँ से फिर 3 कम कर देंगे। अब यहाँ 3 है और यहाँ पर आपके 12 हैं, तो फिर 3 कम हैं, हम लोग यहाँ से फिर 3 हटा देंगे। 3 हैं और ये 9 हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से 3 कम कर देंगे। कंपेयर करते हैं, फिर ये 3 हैं और ये 6 हैं, तो हम लोग यहाँ से फिर 3 कम कर देंगे। अब आप देख रहे हैं फाइनली दोनों में 3 और 3 बचे हैं, तो 3 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। चलिए दोस्तों अब अगला एग्जांपल देखते हैं, हम लोग 3 नंबर्स लेंगे और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं मैंने, 5 10 और 12। जैसा कि अभी पहले देखा था आपने, उन्होंने मैन्युअली कैसे फैक्टर्स करते हैं और फिर उसमें से कॉमन निकालते हैं और फिर उसमें से हाईएस्ट निकालते हैं, जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं वो आप देख चुके हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसके माध्यम से भी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका लगा हमको समझने का या बताने का। तो देखते हैं 5 10 और 12 का, तो इस वाले खाने में हम लोग 5 रख देते हैं स्पीड से। देखिए ये 5 रख दिए गए, यहाँ पे रखने हम लोग को 12, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 रख दिए गए, रखने हैं यहाँ 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 कितने हुए काउंट कर लेते हैं, 4 3 7 3 10 और 2 12, यहाँ भी हो गए 10 और यहाँ हो गए 5। चलिए रेडी हो गया है, अब हम वही तरीका है तीनों में देखेंगे कम कहाँ है, तो कम यहाँ पर है 5, तो जो 5 कम है तो हम लोग यहाँ से भी 5 कम करेंगे और हम लोग यहाँ से भी 5 कम करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हमने 5 यहाँ से कम करे, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 यहाँ से कम करे। अब देखते हैं यहाँ कितने रह गए, 5 यहाँ कितने रह गए, 5 और यहाँ कितने रह गए मेरे, 4 3 7, यस। तो यहाँ भी 5 हैं, यहाँ 5 हैं और यहाँ पे मेरे 7 हैं, तो चूंकि 5 कम है इसलिए हम लोग इसमें से 5 को कम करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 5 कम कर दिए।
अब हम तीनों में कंपेयर करते हैं, यहाँ दो बच्चे हैं और यहाँ पे पांच पांच बच्चे। अब ये दो जो है वो कम है, तो दो कम जो है इसलिए हम लोग यहाँ से भी दो कम करेंगे और हम लोग यहाँ से भी दो को कम करेंगे। आप कंपेयर करते हैं, यहाँ दो है, यहाँ तीन है और यहाँ पे तीन है, तो फिर ये दो कम है तो हम लोग दो यहाँ पे कम करेंगे और दो यहाँ भी कम करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक है और यहाँ पे दो है, तो एक कम है इसलिए हम लोग यहाँ से एक कम कर देंगे। अब आप देख रहे हैं तीनों में बराबर रह गए हैं एक एक और एक, इसका मतलब पाँच दस और बारह का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वन है। ये लास्ट एग्जाम्पल है तीन छः और पंद्रह का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीन के लिए हम लोग इस खाने में स्पीड से तीन लगा लेते हैं और छः के लिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः और यहाँ पंद्रह है तो ये हो जाएगा तीन और ये तीन तीन छः और ये तीन नौ और ये तीन बारह और बारह तीन पंद्रह। ये ब्लॉक्स हमने अभी शीट रखी थी उसको दफ्ती पे चिपका के ऐसे काट लिए इसको दिखाने के लिए, तो मेरे ये बहुत काम के बन गए, हम किसी भी एक्टिविटी में अब इसको यूज़ कर लिया करेंगे, काफ़ी चमक भी रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस वही पुरानी है। देखते हैं तीनों में कम कहाँ है, तो ये तीन कम है तो हम लोग तीन यहाँ भी कम करेंगे और तीन हम लोग यहाँ भी कम करेंगे। तो यहाँ से तीन हम लोगों ने कम करे और यहाँ से तीन कम करे, कंपेयर करते हैं, तीन है यहाँ पे ज़्यादा हैं तो हम लोग इसमें से तीन कम करेंगे। फिर दिख रहा है ये तीन ही कम है, यहाँ अभी भी ज़्यादा हैं तो हम लोग यहाँ से फिर तीन कम कर देंगे। अभी दिख रहा है ये तीन है, यहाँ पे छः हैं, यहीं पे ज़्यादा हैं तो हम लोग यहाँ से फिर तीन कम कर देंगे। और फाइनली आप देख रहे हैं तीनों ही खानों में मेरे तीन तीन ब्लॉक्स बचे हुए हैं, इसका मतलब तीन छः और पंद्रह का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो थ्री है।